सो है गाइज, वेलकम बैक टू अवर अनदर यूट्यूब वीडियो। जय श्री कृष्णा गाइज, स्वागत है आपका मेरे एक और नए यूट्यूब वीडियो में। एंड राघव आदर्श विद्यालय में आज कुछ एक फंक्शन मनाया जा रहा है, सम्मान समारोह का। फंक्शन की सारी जानकारी अपन राघव आदर्श महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा ही ले लेंगे एंड आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो को पूरा इन्जॉय कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार सर, आज हमारे कॉलेज में भाई ब्लॉग के हितेश जी आए हैं। आज कॉलेज का महाविद्यालय राघव आदर्श महाविद्यालय का रिजल्ट आया है, उसके लिए एक ब्लॉग छोटा सा बनाने के लिए आए हैं। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि सभी बच्चे जो पास हुए अच्छे मार्क्स के साथ, पहली बार विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है, जिसके अंदर प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट अभी आया है, जिसमें 73 बच्चे, हमारे टोटल 75 बच्चे थे, उसमें से 73 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, जिसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो 84% 85% लाए हैं। और जिसमें हमारे महाविद्यालय के जो स्टाफगण हैं, वाइस प्रिंसिपल सर धर्मदास जी अटवाल, पॉलिटिकल साइंस के ज्योतिराज जी विराज, भूगोल के के जी और इतिहास के व्याख्याता है कलुराम जी पटेल, इन सभी मेहनत रंग लाई है इस रिजल्ट को देखते हुए। और जो मेहनत बच्चों ने की है उसके लिए बहुत बहुत हम बच्चों के आभारी रहेंगे। और आभार प्रकट करते हैं कि हमारे टीचर्स ने उनका मार्गदर्शन किया और अच्छे से उनको शिक्षा दी। आगे भी भविष्य में हम मेहनत करते रहेंगे कि बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे से हम शिक्षा दे सकें और महाविद्यालय में और भी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी और ज़्यादा ध्यान दें। इसी के साथ जो अभी प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, जो हमारे कॉलेज का बहुत बेहतर रहा है और नियमित मैसेज वगैरह लगती है और उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। सेकेंड सेमेस्टर में भी हम यही मेहनत कर रहे हैं ताकि रिजल्ट और बेटर हो और बच्चों का भविष्य तय हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पर सुविधाओं के अभाव में भी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत आभार है हमारे स्टाफगण का और विद्यार्थियों का। और ये हमारे छोटे से कॉलेज का छोटा सा ब्लॉग है, जिसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भाई ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू हितेश भाई, आप आए हैं, आप खुद एक इस महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं और इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की हेल्प करें, जन सेवाएँ करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार हितेश जी। धन्यवाद। गाइज, अभी टाइम आ चुका है राघव आदर्श महाविद्यालय के फर्स्ट ईयर के सेकंड टॉप पर कविता प्रजापत से मिलने का एंड उनसे कुछ बातें करते हैं। राघव आदर्श महाविद्यालय की खूबसूरती भरी बातें इन्हीं से जानने की ट्राई करते हैं। हेलो कविता। हेलो, आप अपना पूरा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम कविता जीवाराम प्रजापत है, मैं फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और मैं राघव आदर्श महाविद्यालय छिंदवाड़ा में पढ़ती हूँ, जिसमें आपके परसेंटेज कितने बने वैसे? 83%। आप काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो वैसे। हाँ। वैसे थोड़े से नर्वस लग रहे हो कविता, थोड़ी सी नर्वस है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कविता फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल, हमें पार्टी चाहिए आपकी। हाँ बिल्कुल, अभी कविता थोड़ी सी नर्वस थी एंड अभी थोड़ी सी स्माइल थी तो अच्छा लग रहा है सभी को। वैसे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, आपके ये एक प्राउड मोमेंट है आपके एंड आपके फैमिली के लिए कि राघव आदर्श महाविद्यालय में आपने सेवेंट कितने बनाए आपने? 83% जय नारायण विश्वविद्यालय के थ्रू आपके बने हैं। गाइस, कुछ और टॉपर्स से आपको मिलवा देते हो, सभी टॉपर्स हैं। हेलो, एक एक करके नाम बता दो अपना जल्दी से। आपके परसेंटेज कितने बने वैसे? काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो आपके एंड आपके 82 सिस्टर्स लोगों के काफ़ी अच्छे परसेंटेज बने हैं गाइज एंड राघव आदर्श महाविद्यालय के। मैं आप कुछ बोलना चाहोगे जल्दी से, अपना दे दो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी शायद उसी की वजह से आपके इतने अच्छे परसेंटेज बने हैं एंड आप कुछ बोलना चाहोगे? टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा था, हमें दोबारा समझाते हैं। और भी कुछ बोलना चाहोगे? बहुत अच्छी कॉलेज है, ओवरऑल बहुत ही अच्छी कॉलेज है एंड कॉलेज ये है राघव आदर्श महाविद्यालय के टॉपर्स लोग। सभी हेलो बोल दो एक बार जैसे। हेलो, अपना अपना इंट्रोडक्शन दो जल्दी से। आपका नाम? ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, आप सभी की बिल्कुल। तो हितेश भाई को पार्टी भी चाहिए आप सभी की। कभी दे रहे हो फाउंटेन में? खम्मागणी, चलो फिर चलते हैं खम्मागणी। तो सभी स्टूडेंट्स को तिलक लगाने के लिए जीजा कुछ कर रहे हैं। जीजा क्या कर रहे हो? ये तिलक तैयारी। बिल्कुल, जीजा भी अरेंजमेंट कर रहे हैं यार।
ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, इतना अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा। एंड स्टूडेंट लोगों को आप कुछ बोलना चाहोगे? बहुत अच्छे सबको कॉन्ग्रेस बोल, दशरथ स्पेशली, दशरथ टॉपर। हमें इतनी अच्छी एजुकेशन देने के लिए राघव आदर्श महाविद्यालय का दिल से धन्यवाद। थैंक यू राघव आदर्श महाविद्यालय खिवाड़ा। थैंक यू सो मच राघव आदर्श महाविद्यालय। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम गायत्री है, मेरे फर्स्ट ईयर में 79% बने हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि मैं इस विद्यालय में, इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, राघव आदर्श महाविद्यालय में। राघव आदर्श महाविद्यालय में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर ने आपको कैसा ट्रीट किया? यहाँ पे बहुत अच्छे सर है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा एडमिशन लेके। हमारे सभी सर ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और इसीलिए हमारा रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा और हमें ऐसे है कि हम आगे भी कॉलेज का नाम रोशन करते रहेंगे और इसी तरह हम रिजल्ट का स्कोर आगे बढ़ाते रहेंगे। भावना नीतू जिन्नल बोल रही है, मेरे को पार्टी देंगे। कब दोगे आप लोग पार्टी? पक्का? क्या खिलाने वाले हो? मैं तो बहुत कुछ, मंचूरियन। रेखा बोल रही है मंचूरियन, मंचूरियन हाँ मंचूरियन भी पसंद है। तुम लोग घर पे ही चलते हैं ना, चाय वाय पियेंगे, रेडी हो गए? कहाँ पे है? दो तीन घंटे लगते हैं। दो तीन घंटे से आप कॉलेज आ रहे हो? सही है यार। और आप सब लोगों को तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन आपके फ्यूचर के लिए। तो गाइस अभी टाइम आ चुका है फर्स्ट ईयर के टॉपर से मिलने का, है ना? फर्स्ट ईयर के टॉपर से मैं मिलवा देता हूँ जल्दी से। दशरथ, हेलो, आपका नाम? दशरथ पूरा बता दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए अच्छा सा प्यारा सा, क्योंकि आपके बहुत ही हाईएस्ट परसेंटेज बने हैं एंड काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रहे हो। आप नर्वस हो अभी? हाँ बिल्कुल, शाइट आप को आप कोई ना, हमसे बातें करके आप थोड़ा सा ऐसे खुले मिजाज के हो ही जाओगे, अच्छे से बातें करोगे, ऐसे कैमरे में देखते हैं आपको जो कुछ बोलना बोल दो, जो भी अच्छा था। पहले बता दो कितने परसेंटेज बने आपको? 84%। काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हैं दशरथ, फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, डबल कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। हाँ जी, तो कुछ बोल दीजिए कॉलेज के बारे में, अपना एक्सपीरियंस के बारे में बोल दीजिए। एक्सपीरियंस और कॉलेज के बारे में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने 12th की थी तो 12th बाद मैंने इस राघव आदर्श महाविद्यालय में एडमिशन लिया। इस कॉलेज में मुझे बहुत ही अपॉर्चुनिटी है और यहाँ तक मुझे लगता है कि कॉलेज की जो एजुकेशन है वो बाकी कॉलेज की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब मैंने 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया था तब मुझे लगा था कि यार क्या मैं प्रथम वर्ष में इतना बेटर करूँगा ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे इस कॉलेज की एजुकेशन सिस्टम एंड सर की मोटिवेशन गाइडेंस, विशेषकर हमारे हिंदी साहित्य के अटवाल सर उनकी मोटिवेशन गाइडेंस से मुझे इस स्कोर को प्राप्त करने में बहुत हेल्प करता था। आप सभी को एडवाइस भी देंगे कॉलेज का पूरा लाभ उठाएं, यहाँ पे एडमिशन जरूर है। जी बिल्कुल एकदम, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम प्रणाली एकदम बहुत बेहतर है एंड मुझे जहाँ तक बिलीव है कि इस जो भी इस कॉलेज में एडमिशन मिले वो अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर सकेंगे और उनके व्यक्तिगत विकास में यहाँ के जो आचार्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दशरथ के साथ बात करके हमें बहुत ही ज़्यादा इनर मोटिवेशन मिला है गाइस। दशरथ ने हमने थोड़ा सा हमेशा शेयर किया है, ब्लॉग को ज़्यादा अपन बड़ा नहीं कर सकते वरना एक दिन का पूरा ब्रॉडकास्ट वीडियो जरूर लेंगे। धन्यवाद गाइस, कुछ और मोटिवेशनल पल और रिकॉर्ड कर लेते अपने वीडियो में। राघव आदर्श महाविद्यालय के उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बधाई जिन्होंने बी ए सेमेस्टर प्रथम के इस नई NEP 2020 के परिणामों में बेहतरीन प्रयास करके बेहतर परिणाम दिया है। उन सभी विद्यार्थियों को हृदय के अंदर से महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनकी उज्ज्वल भविष्य की। और साथ ही साथ महाविद्यालय इस बार निरंतर ऐसी गतिविधियाँ आयोजित करेगा जिससे विद्यार्थियों की जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को भी हम ऊपर ला सके, खेलों के क्षेत्र में भी उन्हें कुछ स्थान मिल सके इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ शैक्षणिक स्तर हमारा और बेहतर हो उसके लिए सामूहिक रूप से संस्था के साथ मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। साथ ही
महाविद्यालय में जो नव आगंतुक छात्र होंगे उन्हें हम किस प्रकार की शिक्षा से जोड़ सकें, इसके लिए भी निरंतर प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ यही उद्देश्य रहेगा कि इस बार हमारे विद्यार्थियों ने 8.0 से ऊपर प्रयास किया है, अगली बार हमारा प्रयास 9.0 तक या उससे ऊपर तक जाने का हम प्रयास करेंगे। नई एनईपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं, हो सकता है पहली बार किया था तो इसलिए थोड़ी कुछ कमी रह गई होगी, तो इन प्रयासों को और बेहतर करते थे हम और बेहतरीन प्रयास करेंगे ताकि गोडवार और उसके आसपास के क्षेत्र में जो इस वर्ष महाविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है अपने शैक्षणिक स्तर पर उसी स्थान को बरकरार रख सके, इस क्षेत्र में हम निरंतर कार्य कर सकें और शिक्षा की अलख जो कमलेश जी गर्ग के नेतृत्व में और निर्देशन में निरंतर इस क्षेत्र में चलाई जा रही है उस प्रयास को और बेहतर कर सके। कवि दुष्यंत के पंक्तियों के साथ में अपनी बात को यही खत्म करना चाहूँगा कि हो गई है वीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से बाबा श्रद्धा निकलनी चाहिए, आज ये दिवाली बुद्धों से मिलने हमारी कोशिश थी याद करनी चाहिए। गाइज राघव आदर्श महाविद्यालय का सम्मान समारोह काफ़ी अच्छे से चल रहा है एंड पीछे फोटो सेशन चल रहा है मेरे पीछे एंड सभी लोग स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है एंड राघव आदर्श महाविद्यालय का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी सौर्यजनक है, काफ़ी अच्छा है एंड थैंक यू सो मच राघव आदर्श महाविद्यालय हम सभी को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए एंड तहे दिल से धन्यवाद कमलेश जी सर को, क्योंकि उनकी वजह से शायद उनके प्रयासों की वजह से ये राघव आदर्श महाविद्यालय यहाँ ओपन हो चुका है एंड और भी बहुत सारी राघव आदर्श महाविद्यालय के बारे में बताने लायक खूबसूरती भरी बातें और भी बहुत ज़्यादा है, पर उसके लिए अभी समय नहीं है, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करने का टाइम आ चुका है। ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते किसी नए ब्लॉग में।